अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 2022 खत्म होने जा रहा है और 2023 में नया साल, नए दिन, नए रुझान और नए ड्रामास होंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसे पॉपुलर सीरियल्स हैं जिनको आपने 2022 में ना देखा तो आप यकीनन एक शानदार चीज मिस कर देंगे और बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी देख लिया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल जुगनू। जुगनू एक मोस्ट पॉपुलर सीरियल है, इसको देखना बनता है। कहानी एक सादा मिजाज और खूबसूरत लड़की की है। जुगनू नामी इस लड़की के जहन में उसकी खाला ने एक ही बात बिठा रखी है कि शादी सिर्फ उस मर्द से करो जो तुमसे मोहब्बत करता हो। एक इत्तफाकिया मुलाकात में जुगनू का अम्मू से आमना सामना हो जाता है। पहली ही मुलाकात में अम्मू उस पर दिल हार बैठता है और उसके पीछे पड़ जाता है। जुगनू जैसी सादा मिजाज लड़की को धोखे से शादी पर रजामंद कर लेता है। शादी के बाद जुगनू पर असलियत जाहिर हो जाती है कि अम्मू एक मामूली असिस्टेंट है। गुर्बत से दिल बर्दाश्ता अम्मू जुगनू पर मॉडलिंग करने के लिए दबाव डालता है। किस्मत के हाथों मजबूर और गुर्बत से तंग आकर जुगनू मॉडलिंग करने की हामी भर लेती है। लेकिन अभी किस्मत के और भी इम्तिहान बाकी हैं। एक दिन शूटिंग के दौरान जुगनू की मुलाकात जुल्फी से होती है। जुल्फी एक दौलतमंद और हुस्न परस्त लड़का है जो दिलो जान से जुगनू पर आशिक हो जाता है और उसकी शादी खत्म कराने के लिए ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यानी खूबसूरत लड़की की जिंदगी हर तरफ अजाब में। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला। डर सी जाती है सिला को वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये एक बोल्ड स्टोरी और बोल्ड स्क्रीन ड्रामा है जिसमें जज्बात, फीलिंग्स और चेहरे के तासुरात कुछ इस तरह के हैं जो कि फैमिली के सामने देखना नागवार है। बॉडी लैंग्वेज ही आपको बताती है कि ड्रामा कैसा होगा और ड्रामा बोल्ड है। जिनसी तशद्दुद सिर्फ घर से बाहर नहीं होता बल्कि घर के अंदर रहने वाले भी बाज़ोकात ऐसा करते नजर आते हैं। काशिफ अंसार का डायरेक्ट किया हुआ ड्रामा डर सी जाती है सिला में इसको दिखाया गया है। अगर आप नोट करें तो रेपिस्ट के एक खास स्टीरियोटाइप सी कॉन्सेप्ट पर अकासी की जाती है। इस कॉन्सेप्ट में उसकी बड़ी बड़ी मूछें दिखाई हैं, लेकिन असल मुआशरे में ऐसे नहीं होता और जिंसी तशद्दुद करने वाले को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे अफराद हमारे इर्द गिर्द के ही मौजूद अफराद में से होते हैं, वो आम इंसान होते हैं। इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि जिंसी तौर पर हिरासा करने वाला बाज़ोकात खानदान के अंदर से ही होता है तो उस वक्त उनके खिलाफ आवाज उठाना कितना मुश्किल होता है। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। प्यार के सदके अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये साल खत्म होने से पहले जरूर देख लें। इसमें आप देखेंगे कि मासूम से बिलाल अब्बास को अपनी कॉलेज फेलो यशमा गुल से पहली नजर का प्यार हो जाता है, लेकिन वो उस प्यार को ऐसे फन लेती है क्योंकि यशमा को अपनी पर्सनालिटी के सामने उसकी शख्सियत दबती हुई महसूस होती है। वो उस मोहब्बत से बहुत देर तक छुटकारा नहीं हासिल कर पाता, फिर उसकी जिंदगी में महजबी आती है जिनके हादसाती तौर पर शादी हो जाती है। लेकिन अब्दुल्ला का सौतेला बाप अपनी बहू पर बुरी नजर रखने लगता है। अब्दुल्ला और महजबी की मोहब्बत परवान चढ़ती है और बिला आखिर ये कपल हमेशा के लिए एक हो जाता है। अतीका ओढ़ो, उमेर राना, यमुना जैदी और बिलाल अब्बास समेत तमाम अदाकारों ने उमदा अदाकारी के जौहर दिखाए। खास तौर पर बिलाल अब्बास और यमुना जैदी की मासूमियत भरी अदाकारी ने नाज़रीन के दिल मोह लिए। ड्रामा सीरियल घर तितली का पर। घर तितली का पर एक पॉपुलर स्टोरी ड्रामा है। ये ड्रामा 2022 में खत्म हुआ। इस ड्रामे को 2022 खत्म होने से पहले देख लें। कहानी दो कॉलेज के दोस्तों शफक यानी ईमन खान के गिर्द घूमती है जो एक शरीफ और अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। शफक के खानदान में उसके वालिद अता, उसकी वालदा नाहिद और उसका भाई कामरान शामिल है। कामरान की मंगनी अपनी कजन इरम से हुई है। शफक के खानदान के नाहिद की बहन शफक और कामरान की खाला और उसके बेटे हसन के साथ भी करीबी ताल्लुकात है। हसन शफक को पसंद करता है। शफक रहमदिल और हर किसी से प्यार करने वाली और काफी अमीर है, जबकि अंजी गरीब और लालची है। नेस वो दूसरों को परेशान करके खुशी हासिल करती है। वो खुद को जमीन की सबसे खूबसूरत औरत समझती है। वो शफक से सिर्फ उसके पैसों की वजह से दोस्ती करती है क्योंकि मासूम शफक उसे महंगी चीजें तोहफे में देती है। एंजी जल्द ही समझ जाती है कि अगर वो शफक के भाई कामरान से शादी कर लेती है तो वो आसानी से अमीर हो सकती है। कामरान की पहले ही अपने बचपन की मंगेतर और कजन इरम से मंगनी हो चुकी है जो बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाली है और शफक के भी बहुत करीब है। लेकिन फिर भी कामरान अंजी के चाल में फंस जाता है। लेकिन शफक के वालिद को उसका इल्म हो जाता है और वो जल्दी से इरम को अपने घर बुलाते हैं और उसे सारी सूरत हाल बताते हैं और उसे होशियार रहने और हालात को संभालने को कहते हैं। दूसरी तरफ अंजी की दाल नहीं गलती तो वो एक प्लान बनाती है जो तबाही का एक रास्ता है। तो जानिए इस खेल में तबाही किसका मुकद्दर बनती है। ड्रामा सीरियल करामाते इश्क। करामाते इश्क एक पॉपुलर सीरियल है जिसको जरूर देखिएगा।
ये पुरजोश मोहब्बत, शदीद दुश्मनी और सफ़ाकाना इंतकाम की एक सनसनीखेज कहानी है। जागीरदार जमींदार शहमीर और नबीला का बेटा करामत शाह अपने गांव में एक काबिल एहतराम पीर है, जबकि उसका सौतेला भाई मोहसिन भाइयों के दरमियान तनाजात पैदा करके हमेशा अलग रहता है। लेकिन उनकी दुश्मनी तब हो जाती है जब करामत की नज़र मोहसिन की महबूबा अलिशबा पे पड़ती है। इस मोहब्बत के तिकोन में किसी का मरना मुकद्दर है। उसके बाद फ्लैशबैक दिखाया गया है कि मालिक मकान शहमीर और नबीला में गहरा प्यार है और वो शादी कर लेते हैं। उसके फौरन बाद नबीला एक कार हादसे में मुलव्वस होकर पॉलिश का शिकार हो जाती है। उसकी आंखों की हरकत किसी न किसी तरह गांव वालों को ये यकीन करने पर ले जाती है कि उसमें माफूकुल फितरत ताकतें हैं और वो पीरनी है। चुनाचे जब वो लड़का पैदा करने के बाद मर जाती है तो उसके बेटे करामत शाह को भी पीर समझा जाता है। शहमीर अब अपनी कजन नसरीन से शादी करने पर आमादा है, जो बाद में एक बेटे मोहसिन को जन्म देती है। लेकिन जबकि बड़े बेटे पीर करामत शाह का एहतराम और प्यार किया जाता है, मोहसिन को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। उससे दोनों भाइयों के दरमियान शदीद झगड़ा होता है। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए। जियो टीवी का ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए एक पॉपुलर ड्रामा है। सकूत ढाका की तारीख के गिर सफर करती इस सीरियल की कहानी बहुत ही डिफरेंट है। ये कहानी वतन के जान निसारों की सरपरोशी की दास्तान है, जो तारीख पस मंजर में फिल्माई गई है। नाजरीन के दिल को छू लेने वाली यादगार कहानी को मारूफ राइटर अली मोइन ने अपने कलम से तराशा है, जबकि हासिम हुसैन ने इस सीरियल के लिए हिदायत दी है। कर्नल जैद आई फारूक के नॉवल बिछड़ गए से माखूज ड्रामे की कहानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तारीख के गिर्द घूमती है। एक्शन, सस्पेंस और जज्बात से भरपूर कहानी में ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार बहाज और माया अली ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। इंडस्ट्री के दोनों मायानास फनकार पहली बार ऑन स्क्रीन एक जोड़े की सूरत में नजर आ रहे हैं, और इन दिनों आर्टिस्टों के मद्दा भी उन्हें एक साथ देखकर बहुत पुरजोश है। एक बहुत ही पुरपेच लव स्टोरी के गिर्द घुमाते घुमाते तारीखी वाक्य को एक शक्ल दी गई है, जो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगा। ड्रामा सीरियल दियारे दिल। दियारे दिल एक पावरफुल सीरियल है। अगर आपने इस ड्रामे को किसी वजह से अभी तक नहीं देखा है तो ड्रामा देखने का ये चांस मिस मत करें, और इसको देखकर आपको मोहब्बत की ताकत का अंदाजा होगा। अदाकारों में मिकाल जुल्फिकार, सनम सईद, हरीम फारूक, आबिद अली, अली रहमान, उस्मान खालिद पर, अशीता बहरोज सब्जवारी, तारा महमूद और दीगर शामिल है। ड्रामे की कहानी आगा जान के घर से शुरू होती है, जिनके दो बेटे होते हैं। आगा जान जिद्दी शख्सियत के मालिक हैं और हवेली में सिर्फ उनका हुक्म चलता है। आगा जान अपने बड़े बेटे बहरोज की शादी अपनी भतीजी अर्जुमन से बचपन में ही तय कर चुके थे। वो उनके निकाह का ऐलान करते हैं, लेकिन बहरोज अपनी क्लास फेलो रूही से शादी करना चाहता है। बहरोज भी बाप की तरह जिद्दी होता है और आगा जान के फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। आगा जान तैश में आकर निकाह मुकर्रर तारीख पर ही होने का ऐलान करते हुए कहते हैं कि अगर बहरोज वापस न आया तो अर्जुमन का निकाह वो अपने छोटे बेटे सुहेब से कर देंगे। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। आगा जान और बहरोज की जिद्दी शख्सियत उनके और उनके बच्चों की जिंदगियों पर भी असरअंदाज होती है। ड्रामा सीरियल बोल कफारा। बोल कफारा एक ऐसा ड्रामा है जिसको मिस करने की वजह नहीं पूछी जानी चाहिए। ये वाकई में देखने वाला ड्रामा है। ये कहानी सियालकोट की एक लड़की आमना की है, जिसकी शादी लियाकत से हुई और उसका एक बेटा है जिसका नाम रोहान है। लियाकत के खानदान में उसकी माँ, दो शादीशुदा बहनें और एक छोटा भाई नासिर है। आमना के ससुराल वाले लालची हैं, जो उसकी तालीम को अहमियत नहीं देते। उनके लिए सिर्फ पैसा है, सिवाय उसके बहनोई नासिर के। आमना का घर उसके वालिद और बहन फातिमा पर मुश्तमिल है। उसका एक बड़ा भाई सज्जाद भी है, जिसकी शादी शहनाज से हुई है। आमना की बहन फातिमा की नासिर के साथ एक तरफा मोहब्बत है, लेकिन नासिर एक रोड साइड रोमियो शख्सियत है जो उसे पसंद नहीं करता। चीजें उस वक्त बदल जाती हैं जब नासिर को मरियम नामी एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि किराए के मकान में फैमिली के साथ रह रही है, जो आमना के वालिद का है। नासिर को मरियम से शदीद मोहब्बत है, और वो भी कुछ अरसे बाद। वो उसकी माँ को मरियम के घर उसका हाथ मांगने के लिए भेजता है, लेकिन लालच में उसकी माँ फातिमा के घर जाती है और मरियम को देखे बगैर उसका हाथ मांगती है, और कहानी में मजीद ट्विस्ट आ जाता है। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं। ड्रामा दिल ना उम्मीद तो नहीं बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, हालांकि ये आम से चैनल पर नशर हुआ था। इस सीरियल को भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो 2022 के एंड से पहले देख लें। ये बहुत सारे हॉट इश्यूज को उजागर करता है। ड्रामा सीरियल कशफ फाउंडेशन ने प्रोड्यूस किया है, जिसकी हिदायत काशिफ निसार ने दी है और आमना मुफ्ती ने तहरीर की है। दिल ना उम्मीद तो नहीं में मरकजी किरदारों में यमुना जैदी, वहाज अली, फजर खान, बुनीता मलिक, मोहम्मद सदून और असबा खान शामिल है। इस ड्रामे की कहानी बचपन से लेकर जवानी तक तीन लोगों की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जो जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर स्मगल हो जाते हैं। यमुना जैदी, यासरा हयात मरकजी किरदारों में है, जिन्होंने तवायफों का रोल प्ले किया है।
ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी एक पॉपुलर ड्रामा सीरियल है। इसको आप YouTube पर देख सकते हैं। इसके तमाम एक साथ एक फोल्डर में मौजूद हैं। इस तरह के मौजूदात पर ज्यादा ड्रामा नहीं बनाए जाते। एक ऐसा शख्स जो जहनी मासूर है वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। हादसाती तौर पर उन दोनों की शादी भी हो जाती है, जबकि नूरी यानी इकरा अजीज किसी और को पसंद करती है और यूं कहानी में नया मोड़ आता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि पॉपुलर ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।